लुईस एसिड के साथ अभिक्रिया, क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम वाले कंपाउंड जो है वो, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो या तो डाइमर की फॉर्म में मिलेंगे या फिर वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, तो ये हमारे क्या होते हैं, लुईस अम्ल। और ये जब रिएक्शन करते हैं किसके साथ, लुईस क्षार के साथ, तो ये यहाँ पे क्या बनाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं। किस तरह से बनाएंगे, कि कंप्लीट जो नाइट्रोजन का कंपाउंड है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एल्यूमिनियम के खाली कक्षकों के अंदर, और ये हमारा उपसहसंयोजक यौगिक बनेगा। ठीक है, तो जो आपने लाइन लिखी है, लुईस क्षार जिसमें सक्रिय हाइड्रोजन ना हो, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करके उपसहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, उसके बाद में ये लिख लो। ठीक है, अब नाइट्रोजन की फैमिली के और जो कंपाउंड है वो भी क्या होंगे, लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे, ये भी क्या होंगे, इस ट्राई मेथिल एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे, ये भी क्या होगा, लुईस एसिड होगा और ये लुईस बेस होगा। ठीक है, फास्फोरस है, फास्फोरस के पास भी लोन पेयर होता है, वो भी आसानी से दे सकता है, तो ये भी क्या है, लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं, और अगर इनकी रिएक्शन होती है तो क्या बनता है, वही हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, एक इथर होता है, इथर भी एक तरह से लुईस बेस की तरह रिएक्ट करता है, क्यों, इथर में क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, नाइट्रोजन के पास तो एक लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, वो बहुत आसानी से दे सकता है, तो ये भी क्या करेगा, लुईस बेस की तरह, और ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, और ये भी क्या बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, हमने क्या किया इस रिएक्शन के अंदर, ये लिखा कि ऐसे लुईस बेस जिसके पास सक्रिय हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, उसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन अगर सक्रिय हाइड्रोजन हो तो क्या होगा, अगर हम यहाँ पे इसको इस तरह से लेते हैं, इस नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और दो मिथाइल, ठीक है, ये तीन चीजें हैं, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है टोटल, ठीक है, तो हमने क्या किया, एक बॉन्ड बना दिया हाइड्रोजन के साथ और दो बना दिए हमने मेथिल्स के, ठीक है, तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है, अब क्या होगा, जैसे अमोनिया है, अमोनिया की फॉर्म में हम इसको समझते हैं, अमोनिया जो है वो क्या करता है, बहुत आसानी से H प्लस लेता भी है, बहुत आसानी से H प्लस देता भी है, ठीक है, दोनों ही चीजें दिखाता है ये, जब वो H प्लस लेगा तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, जो H प्लस लेता है वो क्षार होता है, जो H प्लस देता है वो अम्ल होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल सी बात है, H प्लस देने वाला एसिड, H प्लस लेने वाला बेस, H प्लस देने वाला एसिड, OH माइनस देने वाला बेस, इलेक्ट्रॉन में उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला एसिड, सॉरी इलेक्ट्रॉन देने वाला बेस और इलेक्ट्रॉन लेने वाला एसिड। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया जो है ये क्या करता है, बहुत आसानी से H प्लस लेता है, क्यों लेता है, क्योंकि अमोनिया के पास है लोन पेयर, H प्लस का मतलब क्या है, ये हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक्य में है, तो ये क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा इसके साथ बहुत आसानी से, ठीक है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए किसको, हाइड्रोजन को, तो ये क्या बना देगा, अमोनियम आयन, यानी यहाँ पे इसका नेचर कौन सा हुआ, बेसिक क्षार का। ठीक है, अब ये क्या है, अमोनिया जो है ये नाइट्रोजन को, सॉरी हाइड्रोजन को दे भी सकता है, यानी बाहर भी निकाल सकता है, जब ये हाइड्रोजन को बाहर निकालता है तो ये बनाता है NH2-, अगर ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो ये क्या होता है, एसिड की तरह बिहेव करता है, यानी अमोनिया जो है वो एक तरह से क्या होता है, सेल्फ आयनाइजेशन या स्वतः आयनन दिखाता है, अगर हम एक पूरा सॉल्यूशन ले लें अमोनिया का, ठीक है, जिसमें अमोनिया ही अमोनिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो उनका क्या होता है,
सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, स्वतः आयनन होता है। तो उसमें क्या होगा कि एक जो अमोनिया है वो तो क्या करेगा, दूसरे अमोनिया से हाइड्रोजन को लेगा और क्या बनाएगा, अमोनियम आयन, और दूसरा क्या बनाएगा, NH2-, यानी एक यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव करता है, एक बेस की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अब बना अमोनियम आयन, अब इसकी बैक अगर रिएक्शन चलाए तो कैसे चलेगी, अमोनियम आयन में से H+ आसानी से निकलेगा। ठीक है, अगर अमोनियम आयन से H+ निकलता है तो न्यूट्रल कंपाउंड बनता है अमोनिया। ठीक है, तो न्यूट्रल कंपाउंड हमेशा आवेशित से ज्यादा स्टेबल होता है, तो अमोनियम आयन आसानी से H+ देगा। अगर ये H+ दे रहा है यानी ये क्या है, एसिड है, और ये H+ आसानी से लेगा, ये भी क्या बनाएगा, NH2- से अमोनिया बनाएगा। ठीक है, अगर ये NH2- से अमोनिया बनाता है यानी ये नेगेटिव चार्ज से न्यूट्रल कंपाउंड बनाता है, उदासीन कंपाउंड बनाता है, मतलब ये भी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, यानी ये क्या करेगा, अम्ल की तरह बिहेव करेगा, ये क्षार की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, वो तो हाइड्रोजन थे नाइट्रोजन के ऊपर जुड़े हुए सारे, तब हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाई कि अगर बाहर से H+ आ रहा है तो हमने H+ को ले लिया, अगर हमें H+ बाहर निकालने की जरूरत है तो हमने H+ बाहर निकाल दिया, NH2- बना लिया। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं तो हम H+ को बाहर निकाल ही नहीं सकते, मैथिल ग्रुप को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए हम निकाल नहीं सकते, इसलिए ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाता है यहाँ। लेकिन अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो आपका ये जो ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम है इसमें से एक एल्किल ग्रुप निकलेगा और वो किसके साथ जुड़ेगा, H+ के साथ जुड़ के एक एल्केन का मॉलिक्यूल अलग से बना देगा, और ये डाई एल्किल, अच्छा एक चीज और, एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाता है, कल नहीं बताया था ना, तीन बॉन्ड बनाता है, तीन ही बनाए हुए हमने, है ना, कि एक एल्यूमिनियम के साथ तीन मिथाइल ग्रुप है। हमने क्या किया यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में, तो क्या किया, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है चौथा। ठीक है, ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसलिए ये स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से एक मैथिल ग्रुप को निकाल दे और यहाँ से H+ को निकाल दे, तो एल्यूमिनियम के दो ही बॉन्ड बचे, तीसरा किसके साथ बनाएगा, ये NME3 के साथ बनाएगा, NME2 के साथ बनाएगा, एक हाइड्रोजन हमने निकाल दिया। तो यहाँ से एक मैथिल निकला, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, यानी हमने एक मेथेन का मोलिकुल यहाँ से बाहर निकाल देंगे। क्यों निकाला, क्योंकि हमारे ये जो लुइस बेस है, लुइस शार है, उसके ऊपर सक्रिय हाइड्रोजन प्रेजेंट है तब। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन इसमें लिखो, यदि, हाँ एल्यूमिनियम तीन बॉन्ड बनाता है, सही है, यदि लुइस शार पर एक्टिव हाइड्रोजन या सक्रिय हाइड्रोजन उपस्थित हो, तो यह ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एक एल्केन का मॉलिक्यूल बाहर निकालता है, एक एल्केन का मॉलिक्यूल बाहर निकालता है ठीक है, और ये रिएक्शन लिख लो कि इसमें ये आपका लुईस बेस है, इसके पास क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, एक एमई के साथ क्या बना देगा, मिथेन। ठीक है, एक मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल का मतलब क्या है, CH3 है। ठीक है, CH3 के साथ एक हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा, मिथेन बना देगा। बाकी क्या बचा, यहाँ पे Me2Al है, और तीसरा जो बॉन्ड बनेगा इसका किसके साथ, NMe। ठीक है, इस तरह से।
एल्कोहल, एल्कोहल के पास भी क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है, सक्रिय हाइड्रोजन होता है, बहुत आसानी से ये एच प्लस को निकालता है, आर ओ माइनस बनाता है। तो यहाँ ये भी क्या करेगा, एच प्लस निकालेगा, इधर से एक मिथाइल ग्रुप निकलेगा, हमारे पास एक क्या मिलेगा, मिथेन मिलेगा, ठीक है, और क्या मिलेगा, ये डाई मेथिल एल्यूमिनियम बॉन्ड बनाएगा किसके साथ, ओ आर के साथ। इसी तरह कंपाउंड होता है थायोल का, एल्कोहल की तरह ही, ऑक्सीजन की जगह हमने क्या यूज किया है, सल्फर, ठीक है, यहाँ भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है, आसानी से H+ देगा, और ये भी क्या बनाएगा, ठीक है, ये लिख लिया। इसके बाद में एक लाइन और लिखो कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में बनने वाले उत्पाद ज्यादातर डाइमर, टेट्रामर, ट्राइमर की फॉर्म में रहते हैं, द्विलक, त्रिलक और चतुष्क की फॉर्म में, चतुष्क के रूप में रहते हैं। इन अभिक्रियाओं से बनने वाले उत्पाद ज्यादातर द्विलक, त्रिलक और चतुष्क के रूप में रहते हैं, डाइमर, ट्राइमर और टेट्रामर की फॉर्म में रहते हैं। जैसे हमने ये वाला कंपाउंड लिया, ठीक है, ये क्या है, ये वाला कंपाउंड हमेशा डाइमर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है, एल्यूमिनियम के जितने भी कंपाउंड है वो हमें डाइमर की फॉर्म में मिलते हैं। डाइमर कैसे बनाएगा ये, कि जैसे हमने एक कंपाउंड ले लिया ये वाला, ठीक है, जिसमें क्या है, ये वाला बॉन्ड है ये, ठीक है, एल्यूमिनियम जिसके ऊपर दो एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, दो मेथिल ग्रुप है, और नाइट्रोजन जिसके ऊपर भी दो मेथिल ग्रुप है, ये एक कंपाउंड और ये दूसरा कंपाउंड सेम, ठीक है। अब ये डाइमर कैसे बनाएगा कि नाइट्रोजन जो है उसने तीन बॉन्ड बनाए हुए हैं, दो मेथिल के साथ, एक एल्यूमिनियम के साथ, लेकिन फिर भी इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है। अगर ये लोन पेयर है और ये वैसे भी क्या होता है, लुईस बेस होता है, लुईस क्षार होता है, एल्यूमिनियम के पास हमेशा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है, तो ये क्या करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा इसके साथ, यानी इलेक्ट्रॉनों को डाल देगा एल्यूमिनियम के खाली कक्षकों के अंदर। इसी तरह ये क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन इस एल्यूमिनियम के अंदर बनाएगा, यानी ये क्या बना दिया इसने, डाइमर बना दिया, इस फॉर्म में ये रहता है, ठीक है, इसको बना लो। ठीक है, इसी तरह आपका ये ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड है, ये ट्राइमर की फॉर्म में रहता है, ठीक है, ये त्रिलक की फॉर्म में रहता है, तो इसका त्रिलक बना के देखो, अगर इसका हमें ट्राइमर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तीन मॉलिक्यूल बनाना है इसकी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में, ये एक, ठीक है, तीन मॉलिक्यूल ले लिए हमने इसके, करना क्या है, ऑक्सीजन के पास भी क्या होता है, लोन पेयर होता है, एल्यूमिनियम को ये इलेक्ट्रॉन देगा इस तरह, यानी ये क्या बना रहा है यहाँ पर, ट्राइमर या त्रिलक।
देखो हमने नाइट्रोजन जो है वो कितने बॉन्ड बनाता है, तीन बनाता है, ठीक है। तो तीन बॉन्ड वाला जो मॉलिक्यूल है वो एल्यूमिनियम के साथ डाइमर बना रहा है, ठीक है। तीन जो बॉन्ड बनाता है वो एल्यूमिनियम के साथ डाइमर बनाता है द्विलग। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, टोटल दो बॉन्ड बनाता है, तो वो एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाता है, त्रिलग बनाता है। साइनाइड एक बॉन्ड बनाता है, तो ये एल्यूमिनियम के साथ क्या बनाएगा, टेट्रामर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, चतुष्क या टेट्रामर। अब इसका टेट्रामर बना के देखना, ठीक है, घर पे जाके ट्राई करना, टेट्रामर बनाना, यानी चार मॉलिक्यूल बनाने हैं आपको। अभी चार डब्बे बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, एक स्क्वायर स्ट्रक्चर बनेगी, यानी एक यहाँ पे बनाना, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, ठीक है। और उसमें आप जोड़ोगे कैसे, कि ये जो साइनाइड है, साइनाइड के पास भी क्या होते हैं, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, साइनाइड के नाइट्रोजन के पास, तो वो क्या करेगा, वो एल्यूमिनियम को देगा, उसमें क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनेगा। आप लगातार कोऑर्डिनेशन बॉन्ड उसमें बनाना, ठीक है, इसका टेट्रामर बना के देखना। ये दो रिएक्शन होंगी हमारी। थर्ड रिएक्शन लिखो, जटिल यौगिकों का बनना, जटिल यौगिकों का बनना। इसमें लिखो सोडियम ट्राई एथिल एल्यूमिनियम के साथ, सोडियम ट्राई एथिल एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया करके जटिल यौगिक बनाता है, अभिक्रिया करके जटिल यौगिक बनाता है। ठीक है, और इस अभिक्रिया में धातुओं की क्रियाशीलता का क्रम ये होता है, सबसे कम क्रियाशीलता लिथियम की, उससे ज्यादा सोडियम की, और सबसे ज्यादा पोटेशियम की। यानी ये जो रिएक्शन करवाई है हमने, यहाँ पे अगर लिथियम लेते हैं तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, फिर सोडियम की, और फिर पोटेशियम की। यानी जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी रिएक्टिविटी या क्रियाशीलता भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये क्रियाशीलता का क्रम लिख लिया। अब उसके बाद में ये रिएक्शन लिखो। अब इस रिएक्शन में क्या है कि ट्राई एथिल लिथियम, पिछले वाले रिएक्शन में हमने ट्राई मेथिल लिथियम लिया था, यहाँ पे हमने थोड़ा एल्किल ग्रुप को बड़ा कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, सॉरी, ठीक है, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम के साथ। तो ये क्या कर, अब क्या बनाता है, एक तरह से ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। कैसे बनाया, कि एल्यूमिनियम जो है ये चार एथिल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और इस पूरे के ऊपर चार्ज कितना आएगा, अगर हम जैसे हमने RLi लिया, RLi में R पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, वैसे ही इसमें क्या होता है, एथिल के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये क्या होगा, चार एथिल अगर लिए हमने तो माइनस फोर का चार्ज होगा, एल्यूमिनियम पे प्लस थ्री का होता है, टोटल इसके ऊपर माइनस वन का चार्ज होगा, ठीक है। तो इसके आगे हम एक सोडियम धातु जोड़ेंगे, ठीक है, इस तरह से ये हमारा क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। और ये इसके लिए हम THF यूज करते हैं। THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ठीक है, सॉल्वेंट होता है THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन होता है। टेम्परेचर लगभग 100 से 120 डिग्री लेते हैं हम, ठीक है। इसका नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जो भी पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज होती है उसका नाम सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे सोडियम है, तो सोडियम, और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम आता है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम क्या है, यहाँ पे टेट्राएथिल
एल्यूमिनियम, या अच्छा टेट्राएथिल एल्यूमिनियम नहीं, अगर इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसे एल्यूमिनेट लिखा जाता है ना, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम टेट्रामेथिल एल्यूमिनेट। टेट्रामेथिल नहीं एथिल, टेट्राएथाइल एल्यूमिनेट। ठीक है, इसके साथ एक लाइन और लिखूं, ये टेट्राएथिल लिखना, ठीक है, मेथिल बोला ना मैंने, टेट्राएथिल एल्यूमिनेट। एक लाइन लिखो कि क्रिस्टलीय अवस्था में ये यौगिक बहुलक के रूप में मिलते हैं, पॉलीमर के रूप में मिलते हैं, क्रिस्टलीय अवस्था में ये यौगिक पॉलीमर या बहुलक के रूप में मिलते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम इसको सोलिड में कन्वर्ट कर दें, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम ठोस बना दें, तो ठोस इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन होती है, क्रिस्टलीय होती है। और जब ये क्रिस्टलीय संरचना बनाता है तो ये क्या करता है, अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में बॉन्डिंग करके एक पॉलीमर बना देते हैं, बहुलक बना देते हैं। ठीक है, इसका बहुलक किस तरह से बनेगा, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम चार एथिल से घिरा हुआ है। ठीक है, दूसरा जो हमारा एल्यूमिनियम होगा वो इसी तरह से क्या होगा, चार एथिल से घिरा हुआ होगा। ठीक है, और ये बीच में इसके क्या है, लिथियम, तो यहाँ पे ये जो लिथियम है ये भी एक तरह से इनसे बॉन्ड बना लेता है, इस तरह से। ठीक है, अगर आगे वाला कंपाउंड बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, इस तरह से, और बीच में लिथियम, ये इस तरह से ये क्या बना देता है, पॉलीमर बना देता है, बहुलक बना देता है। ये बना लो, ये लिथियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, नाम इसका लिथियम टेट्राएथिल एल्यूमिनेट, और इसकी पॉलीमर की स्ट्रक्चर है, ये बहुलक है इसका। ठीक है, बस इतना ही, बाकी कल वाली क्लास में करेंगे।